शैडो एंड बोन सीजन 2 में हमने अलीना स्टार्को की कहानी को देखा, जो द फोल्ड को हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय करने के लिए जाती है। उसके साथ इस सीजन में एंडिंग की तरफ बहुत से नए ट्विस्ट्स भी हमें दिए गए और सीजन 3 के लिए भी कई हिंट्स हमें दिए गए हैं, जो मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगा। लास्ट एपिसोड में जिसका नाम नो फ्यूनरल था, उसमें डार्कलिंग अलेक्जेंडर मोरोजोव का भी एंड हो गया था, जिसे इस सीरीज में जनरल किरिगन के नाम से भी जाना जाता है। और सीजन के स्टार्टिंग से ही हमें इसी मोमेंट की तरफ ले जाया जा रहा था, जहां पर अलीना स्टार्कोव को अपनी पावर्स का यूज करके द फोल्ड को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना था। लेकिन जब अलीना द फोल्ड को मारने के लिए जा रही थी ताकि वो रैवका किंगडम को बचा सके, वहीं उसी वक्त दूसरी तरफ निकोलाई को किरिगन की आर्मी से भी लड़ना था। और इसी लड़ाई में निकोलाई पर निशवोया अटैक करते हैं, जिन्हें किरिगन कंट्रोल कर रहा था, और इसी अटैक में वो ऑलमोस्ट मारा भी जाता है। उसके बाद अलीना और किरिगन आमने सामने आ जाते हैं अपने फाइनल फाइट के लिए, और वहाँ किरिगन अलीना को उसका लास्ट और फाइनल एम्पलीफायर लेने से रोकना चाहता है, जिसे फायर वर्ड भी कहा गया है। और फिर हमें पता चलता है कि वो एम्पलीफायर अलीना का बेस्ट फ्रेंड मैल ही था। और इंटरेस्टिंग बात ये थी कि मैल मोरोकोवा फैमिली को ही बिलोंग करता, और मैल किरिगन का दूर का कजिन भी था। बहुत सालों पहले इलिया मोरोजोवा नाम के आदमी ने 3 एम्पलीफायर्स बनाए थे, जो थे स्टैग, सी विप और फायरबर्ड। लेकिन आखिर ये एम्पलीफायर्स थे क्या? एम्पलीफायर्स वो क्रीचर्स हैं जो किसी भी ग्रीशा की पावर्स को बहुत ज्यादा एम्पलीफाई या बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। और फिर हमें ये भी पता चलता है कि जब बहुत सालों पहले बैगरा ने अपनी बहन को कट पावर का यूज करके गलती से मार दिया था, तब उन दोनों के बाप इलिया ने अपनी मैजिक पावर्स का यूज करके उसे फिर से जिंदा किया था। और इस तरह का मैजिक उस विलेज में फॉरबिडन था, और इसीलिए वहां के विलेजर्स ने इलिया को बाद में मार भी दिया। और यही फॉरबिडन मैजिक इस सीजन की एंडिंग की तरफ भी यूज हुआ था, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उसके बाद अलीना और किरिगन की एपिक फाइट शुरू होती है, और वो दोनों अपनी कट पावर्स का यूज करते हैं, लेकिन दोनों की कट पावर्स में काफी डिफरेंस था। अलीना का कट ब्लू लाइट का था, और वही किरिगन का कट शैडो का। लेकिन इस सीजन की एंडिंग की तरफ अलीना का कट भी शैडो की तरह दिख रहा था, जिसने इस शो को एक नया ट्विस्ट दे दिया है, और इसके बारे में आगे और डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद अलीना और किरिगन की फाइट में किरिगन और मार्क बहुत बुरी तरह इंजर्ड हो चुके थे। फिर अलीना को यह पता चलता है कि द फोल्ड को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करने के लिए उसे फायरबर्ड एम्पलीफायर से इंटीग्रेट होना पड़ेगा, और इसका मतलब यह था कि अलीना को मैल को मारना पड़ेगा। और फिर अलीना को मजबूरन ऐसा ही करना पड़ता है, और उसके बाद अलीना के पावर्स बहुत ज्यादा एम्पलीफाई हो चुकी थी, और इन्हीं पावर्स का यूज करके वो पूरे फोल्ड को बुरी तरह डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसमें सभी वॉल्क्रा भी मारे जाते हैं। और उस वक्त तक किरिगन अभी भी जिंदा था, और अलीना को अभी भी ये कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था कि लाइट और डार्कनेस एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, और वो दोनों यूनाइट होकर एक नया वर्ल्ड बना सकते हैं। लेकिन अलीना उसे रिजेक्ट कर देती है, और फिर निशवोया किरिगन की बॉडी से बाहर आ जाते हैं और अलीना पर अटैक करते हैं। इस पूरे सीजन में हमें ये लग रहा था कि किरिगन निशवोया को कंट्रोल करता है, लेकिन ऐसा नहीं था, निशवोया किरिगन को कंट्रोल करते थे। और इतना ही नहीं, किरिगन ने बहुत बार निशवोया को अलीना को मारने से रोका था। एंडिंग के इस सीन में भी किरिगन अलीना को निशवोया से बचाना चाहता था, लेकिन फिर वो अल्टीमेटली मारा ही जाता। और जाते जाते वो अलीना से ये भी कहता है कि उसके मरने के बाद बैलेंस टूट चुका है, और अब अलीना खतरे में पड़ जाएगी। फिर हमें इस सीन में दिखता है कि नीना ने अपनी पावर्स का यूज करके मैल को फिर से जिंदा किया था, और उसकी पावर्स ये थी कि वो किसी के भी दिल को स्टार्ट या स्टॉप कर सकती थी। और इसीलिए मुझे लगा था कि नीना ने ही मैल को जिंदा किया, लेकिन उसके एक्सप्रेशंस कुछ और ही बता रहे थे, और उसे ये पता चल चुका था कि मैल को उसने नहीं बल्कि अलीना ने जिंदा किया है। लेकिन अलीना ने मैल को दोबारा जिंदा कैसे किया? अलीना ने मेरजोस्ट मैजिक का यूज किया था, और ये वाला मैजिक वही था जो बैगरा ने अलीना से यूज ना करने का प्रॉमिस करवाया था। लेकिन इस सीन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये दिखेगा कि अलीना के हाथ में से मेरजोस्ट फ्लो हो रहा, और इसी का यूज करके उसने मैल को रिसरेक्ट किया था। और बाद में नीना ने भी कैज से यही कहा था कि मैल को उसने जिंदा नहीं किया था। और अगर आपको याद होगा तो बैगरा ने अलीना से यह भी कहा था कि मेरजोस्ट का यूज करने से पावर्स करप्ट भी हो सकती हैं, और उस मैजिक को यूज करने वाला इंसान डार्कलिंग्स की तरह इविल भी बन सकता है। तो क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि अलीना अब इविल बन चुकी है? मुझे तो यही लगता है कि अलीना की पावर्स करप्ट हो चुकी हैं, और अब वो धीरे धीरे इविल बन रही, और साथ में वो अब एक डार्कलिंग भी बन सकती है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, चलो उसके बारे में देखते हैं। कोरोनेशन वाले सीन में एक फेयरडन वहाँ आ जाती है, और अलीना अपने सेल्फ डिफेंस में अपनी कट पावर्स यूज करती है, और सरप्राइजिंगली उसकी कट पावर्स अब ब्लू लाइट की नहीं बल्कि एक डार्कलिंग की तरह शेडो वाली थी। और अलीना की इसी नई डार्क पावर को देखकर सभी लोग और हम सभी ऑडियंस भी सरप्राइज रह गए थे, और खुद अलीना भी पहले सरप्राइज ही दिखी थी, लेकिन बाद में उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल भी हमें देखने को मिलती है, जो कि हमें ये हिंट दे रही थी कि अलीना की पावर्स अब करप्ट
करप्ट हो चुकी हैं और अब वो डार्कलिंग बन रही है। और इसी सीन के बाद ये सीजन भी खत्म कर दिया जाता है। और मेरे हिसाब से तो अलीना की ये स्माइल ही सीजन 3 का सबसे बड़ा हिंट था कि अलीना अब अगले सीजन में एक इविल क्वीन या डार्कलिंग की तरह हमें दिखाई जा सकती है। और साथ में हमने ये भी देखा था कि कैसे निकोलाई को अपनी रिफ्लेक्शन में डार्कनेस दिख रही और वो डार्कनेस भी उसके अंदर ग्रो हो रही, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि निकोलाई भी अब डार्कनेस से भर चुका और ये दोनों नए किंग और क्वीन अब डार्कनेस की तरह अगले सीजन में दिख सकते। और ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा कि अलीना कैसे इस डार्कनेस से खुद को बाहर निकालेगी या फिर कभी बाहर निकलेगी भी नहीं। आपकी सीजन 3 के बारे में क्या थ्योरीज हैं कमेंट्स में जरूर शेयर करना। द ग्लोरी सीजन 2 की एंडिंग एक्सप्लेनेशन को देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करो। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो तक के लिए टेक केयर एंड कीप एंजॉयिंग।